नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम बात करने वाले हैं इंटरसेप्टर के बारे में, और हमारे साथ हैं आज अमित भैया। और इनके पास एक इंटरसेप्टर है। तो काफ़ी टाइम से काफ़ी लोगों ने इंटरसेप्टर के ऊपर वीडियो बनाई थी, पर मैं एक ऐसा बंदा ढूंढ रहा था जिसके पास इंटरसेप्टर हो, जिनने उसको चलाया हो, और उसके बारे में वो मुझसे बेटर या उसको चला के उसका एक्सपीरियंस जानता हो। तो चलिए आज अमित भैया से बात करते हैं, क्या उसके ड्रॉबैक हैं, क्या वो आप लोगों के लेने के लायक है या नहीं है, और कैसा उसका परफॉर्म है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं एक नज़र गाड़ी को दिखा देता हूँ। गाड़ी देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही खूबसूरत है, और जितना अच्छी केयर रखी है ना गाड़ी की, कमाल है। डबल सिलेंडर है, हर कोई जानता है इसके बारे में। डिटेल में मतलब उस चीज़ के बारे में नहीं करने जा रहा कि ये गाड़ी ABS आती है या नॉन ABS आती है या इसमें स्लीपर क्लच है, इन चीज़ों के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ राइडिंग एक्सपीरियंस को लेके, कि अमित भैया ने इसको काफ़ी टाइम से चलाया है तो इनका कैसा एक्सपीरियंस इसको लेके है। पहले मैं एक बार आपके सामने इसकी राइड लूँगा, उसका थोड़ा सा मैं अपने आप चेक करता हूँ, उसका अमित भैया से कहता हूँ कि अमित भैया अब आप मुझे बताइए इसके बारे में क्या है। तो एक चीज़ छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है कि भैया अपना घर, भैया का यहाँ सामने पीछे की साइड में घर है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो भैया के घर के सामने यहाँ पे हाईवे, मतलब अपनी पर्सनल जम ये रोड है, सेफ्टी वाली रोड, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे हेलमेट का यूज़ नहीं कर रहा, तो ये आप ये मत कहना कि मोनू भाई तू हेलमेट यूज़ नहीं कर रहा और ये गलत है। तो मैंने भी कोट पहना हुआ दोस्तों, क्योंकि घर सामने ही हमारा। तो ये एक थोड़ा सा डिसपॉइंट वाला बात है कि यार बिना हेलमेट पहने में राइड कर रहा हूँ, तो इवन कि मैं एक छोटी सी राइड करूँगा, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक चलाऊंगा, उसके बाद मैं आपके साथ बात करता हूँ, ठीक है, एक छोटी सी राइड, ठीक है, पर बुरा मत मानना यार, बिना हेलमेट के चला रहा हूँ। चलिए आवाज का तो जवाब, आवाज कमाल है ना, आवाज कमाल है। एक्चुअल में इसके जो साउंड है ना, साउंड इसका एक नंबर साउंड है, एक नंबर। और डबल पीछे से जो साइलेंसर नजर आते हैं ना, इतने बड़े साइलेंसर हैं, रॉकेट की तरह दिखती है, है ना, रॉकेट जैसे, कोई इवन क्या उड़ जाएगी, है ना। तो चलिए अब एक बार चला के देखते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार दोबारा बोल दे रहा हूँ कि मैं एक छोटा सा राइड करूंगा बिना हेलमेट के, वैसे करना नहीं चाहिए, फिर भी मैं छोटी सी राइड करके दिखा देता हूँ। गोली गोली गाड़ी निकलती है, गोली। काफी बढ़िया गाड़ी है, पिकअप में और जो रफ्तार है ना, रफ्तार बहुत बढ़िया है। तो एक बार देखते हैं कि इसका ब्रेकिंग सिस्टम कितना बढ़िया है, तो अगले वीडियो में ब्रेकिंग सिस्टम चेक करते हैं। गुड, ब्रेकिंग तो काफ़ी अच्छा है और ABS भी इसमें काफ़ी अच्छे से काम करता है। और एक चीज़ छोटी सी मेरे को इसमें दिक्कत लगी यार, वो है ये। हाँ मोनू भाई, मैं भी इसके लिए आपसे बात करने वाला था। जितनी गाड़ी सुंदर है, इतना कलर इसका टैंकी का इतना सुंदर है, बहुत अच्छा ट्रिक कलर लग रहा है इसका, पर ये डी पॉइंट वायर करना थोड़ा बिल्कुल स्मार्ट नहीं लगती इससे गाड़ी, है ना। ये मैंने कंपनी को भी कहा था, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल सिंपल दे दिया, बहुत अच्छा था, एक कवर दे सकते हैं। अच्छा मोनू भाई मैं एक चीज और बता दूं, वो कवर भी नहीं चाहिए हमें। अच्छा, इसके ऊपर जो पल्सर की गाड़ियों पे बजाज में आता है, इसमें अलग ही चाहिए कुछ। ओके, हाँ चलिए, ये कंपनी को मैसेज देना चाहिए हमें। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि कैसा इसका एक्सपीरियंस है। स्टॉप कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं, अमित भाई बताइए कि आपको इस गाड़ी को लेके कैसा एक्सपीरियंस है। पहले तो मैं बता दूं मोनू भाई, मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगी है। ओके, कमाल गाड़ी है। ओके, मेरा एक सपना था इसको लेने का, अच्छा, जो मैंने पूरा करा और ली। और एक कंपनी से मुझे कोई शिकवा नहीं है, कुछ हो जाता है, कुछ
जल्दी के लिए भी कर देते हैं। ठीक। एक तो मुझे आपने इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं जी, एक डिसअपॉइंटेड इसका डिसएडवांटेज मैं आपको छोटा सा बताऊं जी, जो मैंने इसको चला के महसूस करा है जी, तो ये हिट मारता है बहुत ही, गर्म बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, 600 सीसी का इंजन है। ओके। और मैं काफी जूते पहनता हूँ ये वाले, पर इसको मेरा ये मेन राय है कि ये बूट के बगैर चलने वाली गाड़ी नहीं है। ये कभी मैं सोचूं कि सैंडल एंडल पहन के चला लें, मैं सोचूंगा सैंडल अच्छे हो मेरे पास, मैं गाड़ी लोकल मार्केट में कुछ ले जाऊं, नहीं। okay. इसके लिए बूट जरूरी है, ये जलेगा यहाँ पे, मतलब ये बहुत ज्यादा हीट होता है, है ना। मेरी ये टिन इस पे लगती है हमें। अच्छा, और अच्छा ये अब बात करते हैं कि 650 सीसी के होने के बाद आपको एवरेज कितना निकाल के दे देती है, कि इसका एवरेज कितना रहता है, और क्या इसका ब्रेकिंग, आपको ब्रेकिंग सिस्टम कैसा लेता है, और क्या वो वाली बजाज वाली कहानी आपको याद है? देखो मोनू भाई, मैं ब्रेकिंग में भी इसको 50 दूंगा, 100 नंबर नहीं देता। ओके, 50 दूंगा, जितनी इसकी रफ्तार है उस हिसाब से ब्रेकिंग इसकी 50% है। 50% है। हाँ। अच्छा, चलाओ तो अपने माइंड के ऊपर ही चलानी पड़ेगी कि भैया जितना कंट्रोल कर सको उतना ही भागाओ। क्या आप सोचोगे गाड़ी पे विश्वास, गाड़ी भी 100% जब देगी, जब हम गाड़ी के साथ 50% समझ के चलाएंगे तो। बिल्कुल है। और मोनू भाई मुझे एक चीज इसमें और लगी। क्या चीज सर? मोनू भाई जितनी गाड़ी हैवी है, सुंदर है, ओके, मुझे इसकी चैन सिस्टम कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा, बिल्कुल नॉर्मल सा दिखता है भाई गाड़ी का। कुछ इस चीज में भी कंपनी को सोचना चाहिए था, कोई नया चीज लानी चाहिए थी। बेल्ट सिस्टम कहने का मतलब है कि बेल्ट जैसे हार्ले में आती है। हाँ, हार्ले में आती है, वो दिक्कत हो जाती है उसमें तो। इंडिया के अंदर खैर बहुत ऊपर चैन के अंदर भी काफी खूबसूरती ला सकते थे। क्या कुछ मोटी होती। ओके। हाँ, कुछ और लगता हैवी। हाँ ये। हाँ, और अच्छा मनोज मुझे ना एक इसका बहुत बढ़िया रहा लगता है, मुझे इसकी साउंड बड़ी प्यारी लगी है। ओके। साउंड का जवाब नहीं, लगता है कि रॉकेट सा कोई स्टार्ट हो गया। कलर पेंट इसकी बहुत अच्छी है, दाने दिखते हैं गाड़ी के ऊपर। मुझे गाड़ी से वो है, बस दो चार चीजें मेरे को लगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अच्छा, फाइनली एक और आखिरी सवाल, क्या ये लोगों को लेनी चाहिए? अगर कुछ लोग पसंद करते हैं इसको, क्या उनके लिए ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी रहेगी? देखो मोनू भाई, हमें बड़ा गर्व है कि आज ये हमारी खुद की इंडिया की विरासत है, रॉयल एनफील्ड। हाँ, एक गर्व होता है इसको महसूस करने के लिए जी। ये गाड़ी चलाने के बाद एक अलग ही मजा है इसको, ये नहीं के भगाओ, एक अलग फील आता है, लेनी तो चाहिए। अच्छा। हाँ। चलिए। हाँ। और मैंने एक सवाल पूछा था, उसका आपने जवाब नहीं दिया, वो मैं भूल गया, सॉरी मोनी भाई। एवरेज क्या निकालती है ये? भाई देखो, जब गाड़ी इतनी भारी रखनी है, एवरेज क्या तो कुछ सोचना है नहीं, फिर भी कंपनी ने कम दिया है मेरे को, 18 से 20 का मिलता है। 18 से 20 का, तो मतलब वाली बात सही है, हाथी पालते हो तो क्या देखना है चारे के लिए, क्या देखना है ना। अब हाती पाल रखा है, चारा तो खिलाना ही पड़ेगा। रॉयल एनफील्ड रखी है तो दिल से है, गाड़ी यहाँ से रखने के लिए। तो चलिए देख लीजिए एक्सपीरियंस, जो गाड़ी रखता है मतलब 650 सीसी अगर किसी के पास रखता है ना, तो वो पेट्रोल की तो सीधी बात है सोचेगा ही नहीं। अच्छा मोनू भाई, एक चीज और मुझे इसमें लगी है जी, इसका एक मैं और बता दूं, गाड़ी रखने के बाद आप भी RS इसका जरूर लें, हमेशा रखें, रोड साइड असिस्टेंट। हाँ, उसको जरूर रखें, जरूर कराना चाहिए भाई। बिल्कुल, गाड़ी कहीं आपकी पिंचर हो जाती है तो आप वहीं स्टील हो, हिल नहीं। मतलब कि ये गाड़ी इतना हैवी हाथी है, मतलब अगर ये बंद हो गई तो हाथी बन गई। जब तो जैसे 5 साल का इंश्योरेंस कंपनी ने कर दिया ना गवर्नमेंट ने, जी, तो आप 5 साल का RS भी साथ में ले लें। अच्छा, लगे हाथ ले लेना चाहिए। अच्छा, कभी आपको ऐसे टर्न लेने में ऐसा तो नहीं लगता कि रपट जाएगी, स्किट हो जाएगी? नहीं, एक चीज डर लगती है मोनू भाई मुझे। क्या चीज? मैं आपको बता दूं जी, ये चीज इसकी काफी डिफरेंस इन्होंने कम दिया है, जो काफी ऊपर वो आते हैं हमारे स्पीड ब्रेकर। हाँ। उस पे एक बार मेरे को टकराने का झाड़ मुझे डर सा लगता है, एक दो बार हल्का फुल्का हुआ भी है मेरे साथ, क्योंकि काफी नीचे नीचे है, गाड़ी का डिफरेंस बहुत कम है मोनू भाई। अगर कोई बड़ा ऊंचा ब्रेकर है तो वो टकरा सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी गाड़ी चलाते हुए। चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, लोगों तो इसका काफी कमाल है ना, कमाल फील होता है बिल्कुल। कलर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मतलब बाकी का कलर बहुत, बाकी आप खुश है गाड़ी से? हाँ। है ना, मैं खुश हूँ। एक 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 चीज और बता दूं मनु भाई जी, ये आनी चाहिए मुझे, जितनी गाड़ी प्यारी है उतने इंडिकेटर प्यारे नहीं लगे, इंडिकेटर उतने प्यारे नहीं लगे। ओके। हाँ। मुझे भी लग रहा है कि ये जल्दी टूट जाएंगे। हाँ। ये इतने प्यारे नहीं है, इसमें भी कोई नया बनाना चाहिए था जब गाड़ी में जैसे हुआ। अच्छा। जी। एक चीज मुझे इसकी क्या प्यारी लगती है मोनू भाई जी, मोनू भाई आप कलर इंजन का जो डिजाइन है ना जी,
मतलब कुछ लगता है कि दमदार है। अगर डिजाइन प्यारा लगा नहीं लगा आपकी क्या राय है मोनू भाई, आप मुझसे ज्यादा गाड़ी चलाते हैं है? जी अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब ये इंजन आज से एक साल पहले जब ये इंजन के कुछ फोटोज लीक हुए थे तो कुछ लोगों ने या कुछ मतलब यूट्यूबर्स ने बात बनाई थी कि यार ये डबल बैरल है, इसका टाइमिंग चैन बीच में है और वो टाइमिंग चैन खराब होगी तो इंजन खोलना पड़ेगा पूरा। शायद आपको याद होगा ये बात, पर इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना इतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है कि चैन खराब होगी नहीं, इतनी जल्दी वो चैन खराब होगी नहीं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। वरना ये जितना मतलब हमारे जैसे लोगों का जितना दिमाग रहता है ना उतने तो वहाँ पर सिर्फ एक राय देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि यार इसकी टाइमिंग चैन खराब होगी तो पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। आपके माध्यम से जी यूट्यूब, आप इतने बड़ा आपका चैनल है जी, इतने आप दिखाते हैं लोगों को सही बात, आपकी काफी चीजें मुझे अच्छी लगी। एक्चुअल मैं सिर्फ वही बोलता हूँ जो सच होता है यार। मोनू भाई आप मेरे से मिलने आए, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आपके सब्सक्राइबर्स का भी करता हूँ, इतना प्यार आपको मिला जी। आप में वो बात है। मोनू भाई एक कंपनी को मैसेज देना चाहता हूँ, कंपनी इसको जो डल हो जाता है बरसात में उसको भी कंपनी सर्विस के बाद पॉलिश करके दे। मतलब जैसा कि ये अभी क्रोम चमक रहा है कुछ टाइम बाद ये धब्बा, हाँ ये मतलब साइडनेस हो जाती है, कस्टमर को पे नहीं करने पड़े इसके पैसे। ये चीज कंपनी को देनी चाहिए सर्विस, दूसरी तीसरी सर्विस पे खुद मार के इसको अरेंज हर सर्विस सेंटर पे होना चाहिए, होना चाहिए। इतनी बढ़िया गाड़ी है, गाड़ी जब भी जचेगी। ओके अब पर ऐसा रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे कोई पॉइंट नहीं है, नहीं है। तो चलिए यही था ओवरव्यू गाड़ी के बारे में, यही था कि गाड़ी अच्छी है लेनी चाहिए, अगर मतलब अगर आप शौकीन हैं तभी आप लीजिए, मैं तो यही कहूंगा। दिल से रखने वाली गाड़ी, बस लाइक करने वाली। अगर आप रॉयल एनफील्ड से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए मोनू भाई का चैनल। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मोनू भाई को इतना प्यार दिया, मोनू बहुत एक अच्छा बंदा है, इसको आप प्यार दो और आगे लेके जाओ दोस्तों। धन्यवाद, चलिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।